चैनल और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आपके सभी प्रकार के रोगों के बारे में, जैसे कि आपके जीवाणु जनित रोग है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग है, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, सभी प्रकार के रोगों को लेकर आ गई हूँ एक विशेष आसान ट्रिक के साथ, जो साथ के साथ आपके याद करवा दूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो गाइस, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का जो ट्रिक है वो है प्लेट में न्यू सीडी को देखो। तो गाइस, ट्रिक क्या है आपका, प्लेट में न्यू सीडी को देखो। यहाँ पर देखिए, जो देखो शब्द है ना गाइस, वो देखो शब्द में मतलब ये देखो शब्द के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, मतलब ये आपको माइनस करना है। आने वाली जो ट्रिक है उसमें आपको एक भी शब्द माइनस नहीं करने पड़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि सभी ट्रिक में ऐसा ट्रिक बनाऊं जिससे कि आपको कोई शब्द, कोई वर्ड आपको जो है माइनस ना करना पड़े, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सा लेटर माइनस करना था। ठीक है, तो माइनस ना करना पड़े, कंफ्यूज ना, इसमें आपको मतलब आगे जो ट्रिक है उसमें आपको एक भी शब्द माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस एक ही शब्द माइनस करना है, देखो। तो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी टॉपिक, जो ट्रिक है वो है प्लेट में न्यू सीडी को देखो। तो यहाँ पर देखिए, प्ले जो है प्ले से हो गया आपका प्लेग, टे टे से हो गया टेटनस, मे से हो गया मेनिजाइटिस, न्यू से हो गया आपका निमोनिया, सी से हो गया सिफिलिस, डी से हो गया आपका डिप्थेरिया, को से हो गया आपका कुष्ठ रोग, या इसे कोड भी बोलते हैं लोग, कोड या कुष्ठ रोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। देखा आपने, इसमें एक एक जो लेटर थे, मैंने एक एक लेटर से इसमें सभी रोगों को प्रेजेंट किया, जिससे कि आपको कोई लेटर माइनस करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि आप भूल ना। बीच में तो खास तौर से ऐसा कोई लेटर मैंने रखा ही नहीं है जिससे कि आपको माइनस करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस एक लास्ट में आपको देखो शब्द जो है इसको माइनस करना है। नेक्स्ट है आपका जीवाणु जनित रोग, मतलब विषाणु जनित रोग, यानी विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए, तो इसका जो ट्रिक है गाइस विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग का, वो है कह के टप्पो हाय गई ए चक। तो मतलब देख रहे हैं, मतलब कैसे याद करेंगे इसे, कह के टप्पो हाय गई ए चक। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक लेटर से आपको मतलब सारे रोग प्रेजेंट है, जैसे कि के से हो गया कंजक्टिवाइटिस, हे से हो गया हर्पिस, के से हो गया कैंसर, टे से हो गया ट्रेकोमा, पो से हो गया आपको पोलियो, हाई से हो गया हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज रोग भी बोलते हैं, गे से हो गया आपका गलसुआ, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, खे से हो गया खसरा। तो देखा, इसमें आपको कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, हर एक लेटर से, हर एक शब्द से आपका सारे रोगों प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आसानी से आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये जीवाणु जनित था, ये विषाणु जनित था, तो आपको याद कैसे करना है गाइस। इसी के साथ एक चीज और मैं बताऊं, जिससे कि आपको याद हो जाए और कंफ्यूज ना हो कि कौन सा ट्रिक किसके लिए था। तो जब आप इसे याद करें, तो आप याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि जीवाणु ने कहा। ठीक है, कैसे याद करेंगे, जीवाणु ने कहा प्लेट में न्यू सीडी को देखो। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा किसने क्या कहा था। तो जीवाणु ने कहा प्लेट में न्यू सीडी को देखो, तो इससे आपको याद हो जाएगा जीवाणु के लिए ये ट्रिक था। ऐसी विषाणु में आप याद करेंगे, विषाणु ने कहा कह के टप्पो हाय गई ए चक। ठीक है, तो कितना आसानी से याद हो जाएगा ना, और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि किसका, किसके लिए कौन सा ट्रिक था। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कवक एंड प्रोटोजोआ जनित रोगों को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका कवक जनित रोग एंड प्रोटोजोआ जनित रोग विद ट्रिक के साथ है, बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कवकों द्वारा होने वाले रोगों का जो ट्रिक है गाइस, वो है गंजापन से दादा खाए फ्रूट। मतलब कवकों द्वारा एक रोग होता है गंजापन, तो मैंने उसी पे इस ट्रिक को बना दिया है, गंजापन से दादा खाए फ्रूट। यहाँ पर से को बस माइनस करना होगा, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो से इसमें बस आपको माइनस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर गंजापन से तो हो गया आपका गंजापन, दा से हो गया दाद, द से हो गया दमा, एंड खा से हो गया आपका खास, ए से हो गया एथलीट, और फ्रूट आपको साथ में जोड़ देना है एथलीट फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, गंजापन दा से दामा, दाद, दे से दमा, खा से खास, ए से एथलीट फ्रूट, लास्ट में आपको फ्रूट को जोड़ देना है। तो इस तरीके से आप इस रोगों को याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, गंजापन से दादा खाए फ्रूट। ठीक है, दादा को गंजापन है, उसकी वजह से वो क्या खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं। इस तरीके से आप माइंड में रख के याद कर सकते हैं कि गंजापन से दादा खाए फ्रूट, और ये ट्रिक से आप इन रोगों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, इसका जो ट्रिक है, काला पानी पे अमी रहती।
काला पानी पे अमी रहती, ठीक है। तो रहती यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मतलब रहती को आपको माइनस करना है। तो देख लेते हैं, काला से आपका कालाजार, पा से आपका काला से है आपका कालाजार, पा से है आपका पायरिया, नी से आपका निद्रा रोग, पे से है आपका पेचिस, अमी से है आपका अमीबी पेचिस, ठीक है। रहती को आपको माइनस करना है क्योंकि अंडरलाइन कर रखा है मैंने उसके नीचे। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं, एंड साथ में मैंने आपको जो बताया है किसको किस तरह से याद करना है, तो आप इसको भी ऐसे याद करेंगे। कवक ने कहा कि गंजापन से दादा खाए फ्रूट, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ ने कहा काला पानी पे अमी रहती, प्रोटोजोआ ने कहा काला पानी पे अमी रहती, और इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब आप इस तरीके से याद करेंगे, विषाणु ने कहा, जीवाणु ने कहा, तो मतलब आप इन ट्रिकों को याद रखेगा कि मतलब किसने कौन सा ट्रिक, किसके लिए कौन सा ट्रिक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल।